सभी किसान भाइयों का नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बैंक पर। मैं दीपक और आज हम आए हुए हैं रावला में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जो बहुत से किसान भाइयों की पसंद बन चुकी है और इस खेत का प्रशिक्षण कम से कम भी फार्मर 5-6 सालों से लगातार कर रहा है जिनसे, और किस तरह से ये वैरायटी और वैरायटियों से बहुत बढ़िया है, जिसे आप गुच्छेदार वैरायटी भी बोल सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी किसान भाई इस वीडियो से जुड़ सकें। और मैं आपको बताऊंगा इस बीज का क्या रेट है और ये किस तरह की मृदा के अंदर काम करती है। गुच्छेदार सरसों तो बहुत लोगों ने लगा रखी, आज हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये क्या चीज क्या है, ये अब किस किसान भाइयों के काम की है, किसके नहीं है, क्या ये काम करती है, इसके बारे में मैं आपको ए टू जेड जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंदर। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको फार्मर से मिलवाना चाहूंगा। हमारे अंग्रेज सिंह जी हैं रावला मंडी श्री गंगानगर से, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे भी ये सरसों आप कितने टाइम से लगा रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट रह रहा है, क्या इसका झाड़ रह रहा है, किस तरह के फार्मर किस तरह की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं और मुनाफा पा सकते हैं, उसके बारे में हम आज फार्मर से बात करेंगे। नमस्कार अंग्रेज सिंह। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सारे को बेनती करना जी, ये बहुत वधिया सरों है, असी कई सालों तो लाने हैं। ये पहला असं थोड़े थोड़े लाने से, ऐतके असी पूरा पूरा खेत लाया है। ये सरों है ना जी, ये सरों सानू रिजल्ट चंगा दे जाती हैगी है, ये कोई पाले की शिकायत भी है नहीं गी। तो बाकी थल्ले मुढ़ है जोड़ा बहुत तकड़ा मुढ़ है, कदें फंगस रोग भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं होंगे गा, कदें स्परे भी नहीं करी, कोई बीमारी नहीं पी इनू। जे तुसी नहरी बीजो नहरी इन पानी ला के जो बरानी भी बीज दोगे तो एडा वाली रिजल्ट है, मीह पवे ना पवे फिर भी ये मरती नहीं गी सरों। अंग्रेजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई, अब हम देख रहे हैं जिस हिसाब से कुछ दिन पाला पड़ा था तो उसकी वजह से जो सरसों हैं उसके अंदर काफी हमें ये देखने को मिला था, जैसे कि पायनियर है और एडवांटा है, कई तरह के ब्रांड है, तो उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगा भाई, उनके अंदर काफी प्रॉब्लम आई थी, पाले की शिकायत आई थी, तो पाले से क्या हुआ था भाई, उसकी फलियां खराब हो गई थी। इस सरसों के बारे में आप मुझे ये बताए भाई, क्या इसको किसी तरह का कोई रोग लगा है, किसी तरह का कोई पाले की समस्या है, तो आप उसके बारे में मुझे बताइए जी। जी, ये पाला इनू असीं भी डरदे सीगे वी इनू भी पाला पऊगा, पर पाला इनू कोई असर ही नहीं करया गया। एक तो मुड़ तो तकड़ी सीगी, ठीक है जी, एक ना करचा जा रहे सीगा, जिवें होर सरों दे बिल्कुल बरीक करचा हुंदा हैगा, उनू पाले दी सारी जा रही शिकायत होई हैगी, ठीक है जी। ये नहीं गा वी एक बूटे नू ही हैगा, सारियां नू ही है, कोई पाला दी शिकायत नहीं इनू होई, कोई भी है तो उनू मैं फलियां खोल के दिखाउणा हैगा भी ये आ देखो आ फलियां है, हम आ फली खोल के दिखा है थोनू, जो ये ये दाना मरिया दिखा रहे हो, कोई भी दाना नहीं मरिया गा बिल्कुल ही, आ देखो मोटा दाना है, कोई दिक्कत नहीं गी, कोई दिक्कत नहीं गी, आ देखो जी एक भी दाना मरिया हो फिर वेखो इन्ना सोहना दाना है, पूरा मोटा दाना है। आपसे पूछना चाहूंगा भी, इसकी अपनी अगर उपज की बात करें, किसी फार्मर के खेत के अंदर जो उपज आती है उसके बारे में बात करें, तो ये उपज कितनी की आ जाती है पूरे एक बीघे के अंदर या एक एकड़ के अंदर, आप बता दो इसकी उपज है। जी मैं तो ये कह रहा हूँ 7-8 क्विंटल तो मामूली बात है, ठीक है जी। और इसको ये ज्यादा आप फाजित करें, ज्यादा ही इसकी कुछ सेवा करें, सही टाइम पर पानी मिल जाए तो इसकी ज्यादा भी आ सकती है। जी जी, मैं अगर बात करूं भाई, इस सरसों के अंदर पानी कितना लगता है, क्या जो और सरसों हैं उसके जितना ही पानी लगता है या उससे ज्यादा पानी इसमें लगाना पड़ता है? ऐसी गल है जी, ये पक्के वाहन है तो तुसी 3 पानी ला सकते हैं जी, ठीक है जी। ते जे थोड़ा नॉर्मल रवान रेतला वाहन है ते 2 ही पानी बहुत है नू। जी जी, 2 ही पानी बहुत है। हालांकि मैं थोड़ा यही कही है ना, अगर जो बराने च पानी एक ला के ही बीजता ना तो खाली जाना बीज है नहीं गा, इन्ना सोहना बीज है। हाँ जी, वो तो हाँ। देख रहे हैं भी खेत, मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर आज मुझे 3 साल हो गए इस लाइन के अंदर काम करते हुए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे ये सरसों ऐसी आज तक मैंने देखी ही नहीं, ऐसी पहली बार ये सरसों देखी है मैंने। सरसों कितनी बढ़िया दिख रही है, कितने बढ़िया इसमें गुच्छे लगे हुए हैं ये सरसों के अंदर, और मतलब देखा जाए तो ऐसी सरसों है ही नहीं कहीं पे, मतलब देखिए इससे पहले भी मतलब वीडियोस के अंदर देखी है कोई, पर ऐसी सरसों नहीं देखी, ये बहुत बढ़िया सरसों है देखने में, आप थोड़ा सा दिखाएंगे
ये देखिए कितना अच्छे, कितने अच्छे तरह के इसमें गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखो किसी तरह की कोई भी फली के अंदर कोई शिकायत नहीं है। ये देखिए यह आप फली देख सकते हैं मेरे हाथ में, बिल्कुल बड़ी बड़ी फलियां हैं, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें अपने पाले की किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं है। सरसों का अगर इस बार अपने माहौल देखें भाई, कितने सरसों में नुकसान हुआ है इस एरिया में, तो मैं इस खेत में देख पा रहा हूँ ये वैरायटी है जो इतनी सहनशील है रोग के प्रति, किसी तरह का इसमें रोग मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोई फंगस नहीं दिख रहा, कोई पाले की शिकायत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ इस सरसों को देख के। और तो अंग्रेज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सरसों के अंदर चीज जो देखी जाती है, जब हम सरसों को खेत से ले जाकर अपने मंडी में लेकर जाते हैं, तो उस समय एक चीज जरूरी होती है कि अपने देखते हैं भाई, अपनों को लैब करवानी पड़ती है, तेल की जांच करवानी पड़ती है। तो उस तेल की जांच में ये सरसों खरी उतरती है क्या जी? ये तेल की सरों तेल वास्ते बराबर ही दूजे सरों दे निकलती हैगी है। जे अगर जे इन पानी पूरे लगे है, जे सल्फर पूरी दी हुई है, तो 42-43 की यदि लैब आई जाती है जी। बहुत बढ़िया जी, ये तो बहुत बढ़िया लैब आती है फिर तो इसकी भाई। 42-43 आम सरसों के अंदर भी लैब नहीं आती कोई, मतलब बढ़िया से बढ़िया सरसों में हम देखे ना तो 42-43 लैब नहीं आती। तो इसके अंदर 42-43 लैब आ रही है, तो कम से कम भी 1000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर अपनों को फर्क देखने को मिलेगा। जैसे हमने ये सरसों देखी पूरे खेत में दिख रही है, ये आपने 16 बीघे तक लगा रखी है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा भाई, हमें ये पसंद आई, जैसे ही हमारे दर्शकों को जिस तरह से ये पसंद आएगी सरसों, अगर वो आपसे खरीदना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपसे खरीद सकते हैं सरसों, क्या इसका रेट रहेगा, और एक बार इस वैरायटी का जो आपने नाम रखा है वो नाम भी हमें बता दीजिए, ताकि कोई भी अगर किसान या कोई भी दर्शक अपना वीडियो के थ्रू अगर देखना चाहता है तो उसको क्या रेट लगेगा और कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। बेटा जी सरों का नाम रखा है जी M5244। ठीक है जी। M5244 सरों का नाम रखा है। ठीक है जी। ये गुच्छे वाली सरों है जी, अलहदा ही सरों है जी। ठीक है। ये जी गुच्छे वाली सरों तो होर वैरायटियां बहुत है जी, पर M5244 क्यों रखा गया कि यदि अलग ही हैगी है पहचान, ये झाड़ च भी चंगी निकलती है जी। ये M5244 जी चमाली जी हैगी है, ये जी हाईब्रिड वरायटियां चो क्रॉस हो के ही बनी है, करके झाड़ भी चंगा है और पाले की तो शिकायत बिल्कुल ही नहीं जी। जी वो तो देख रहे हैं पाले की किसी तरह की भी शिकायत नहीं है जी। मैं आज इतनी दूर से आया हूँ ये सरसों को देखने के लिए, कम से कम 350 किलोमीटर से आया हूँ, रावला मंडी हमसे 300 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो मुझे ये सिर्फ देखना था, और मुझे ये सरसों मैंने एक फोटो में देखी थी तो मुझे ये पसंद आई, तो मैं सिर्फ देखने के लिए इतनी दूर आया हूँ। जो हमारे दर्शक हैं वो भी, उनके भी मन में इच्छा जागृत होगी भी हम भी हमारे खेत के अंदर ये बीज लगाएं, चाहे किलो लगाएं चाहे 2 किलो लगाएं, थोड़ा बहुत अगर वो लगा के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो क्या आप, अगर आपसे अगर बीज खरीदना चाहे कोई किसान, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो जी अभी फोन नंबर दे देंगे। ठीक है जी। वो तो संपर्क कर लेना। ठीक है। तो बीज ज्यादा मांग करके साढ़े को बीज पूरा सारे दुनिया में दिता नहीं जाना। जी जी जी। जिन्ना बीज साढ़े को दिता गया असं जो पहला जाने कि साढ़े को किसी ने फोन करा उन्होंने बीज असं रख सकते हैं, पूरा तो दे ही नहीं सकते बीज। जी जी जी। जे थोनू ये कोई भी साड़ा फोन ना साढ़े को चक्या जाए ना कोई होर, तुसी व्हाट्सएप ते तुसी आपका नंबर सारा एड्रैस भेज सकते हो, तो थोनू बीज उस ते भी मिल जाना है। ठीक है जी। भी इनसे बीज ले सकते हैं और अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, ताकि जिस तरह से अंग्रेज जी 5 सालों से इस फसल से मुनाफा कमा रहे हैं, और आप भी इसका लाभ उठा सकें और अपने खेत में ये सरसों लगाकर एक बार देख सकें भी क्या इसका रिजल्ट रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अच्छे से इसकी देखभाल की, अच्छे से इसको पर्याप्त समय पर पानी लगा दिया, ठीक है, सल्फर डाल दी, ठीक है, तो आप 1 एकड़ के अंदर 15 से 16 क्विंटल तक झाड़ ले सकते हैं, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। ये झाड़ तो जो झाड़ आई, बाकी गल बीज आई, ओह ये सरों बिकती भी महंगी है, बाकी यदा बीज ही नहीं मेरे को पूरा होंदा गा। ठीक है। ये सारे किसान भीरां नूं गल करता हैगा भी तुसी जरूर बिघा बिघा 2-2 बीघे ला के वेखो, तो थोनू अपने आप ही पता चल जूगा
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही कृषि संबंधित वीडियोस हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। और धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी फसल का और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।